देखिए मैंने तो हेलमेट लगाया हुआ है, अभी से सेफ्टी का पालन करते हुए ऊपर से कुछ भी गिर सकता है। न्यू प्रेम वालों का आ चुका है पेट्रोल पंप। आईटीआई के अंदर बैठे हुए हमारे फ्रेंड कम रोजगार लेने के लिए आए हुए हैं। अंचित भाई का इंटरव्यू हो चुका है और बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज का जो ब्लॉग रहेगा वो लॉन्ग रूट का रहेगा। तो आज हमारा सफ़र रहेगा कोई 2.5-3 घंटे का। तो 2.5-3 घंटे बाइक चलाने पड़ेगी और कम से कम 100 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दिखाते रहेंगे आज का ब्लॉग भी आपको, बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में। तो मैं अरेटा बाईपास पहुंच चुका हूं और HRTC बस निकल चुकी है वेट करते करते। तो चलते हैं हम सुबह के, अभी तक 7 बजे हुए हैं और 7 बजे ही निकलना पड़ रहा है घर से। तो दिखाते रहेंगे आप सबको। तो मैं मिलाता हूँ आपको पंचरुखी पहुँच कर। सो गाइज, मैं पंचरुखी पहुँच चुका हूँ और अपने प्रिय मित्र को भी बिठाना पड़ेगा, तो वो भी साथ में जाएगा मेरे साथ। तो उसको भी बिठा लेते हैं, अपने प्रिय मित्र को भी। तो उधर ही खड़ा होगा, अगर आप मेरा पिछला ब्लॉग देखते हो तो जिस जगह पर खड़ा होगा उसी जगह पर होगा वो भी अमित भाई। उनको भी बिठा लेते हैं। किधर खड़ा है अमित भाई, शायद पीछे है, फ़ोन करना पड़ेगा। तो गाई जब बात हो चुकी है तो वो ऊपर खड़ा है। तो ऊपर खड़ा है अमित भाई, तो मिल चुका है हमें अमित भाई। तो हमारे प्रिय मित्र अमित भाई को भी बिठा देते हैं। अमित भाई बैठ चुके हैं और चलते हैं अपने लंबे सफर को तय करते हैं। पहुंच चुके हैं अल्लाह और अल्ले में इतने बड़े बड़े आले का रेलवे ट्रैक। वाटर टैंक, जिसने नहाना है वो नहा सकता है। आले से भी निकलते हुए वो बने रहे हमारे साथ। तो बड़ी दूर जाना है, हमने पहुंच चुके हैं परोर और परोर से भी आगे की और बढ़ते परोर जंगल में लगी हुई है आग। पूरा जंगल तहस हो गया। रोड पक्का किया गया है। एक बार हमारी गाड़ी का यहीं पर टायर पंचर हो चुका था। तो दिखाते रहेंगे आप सबको पर जंगल रही है। जंगल में आग लगी हुई है, लाइव दिखाते हैं आपको। देखो किस तरह से जंगल में आग लगी हुई है। बने रहे हमारे साथ लोग में। नगरोटा पहुंच चुके हैं, आगे आएगा नगरोटा का बस स्टैंड। ये आ चुका है नगरोटे का बस स्टैंड, पूरा फुल हो चुका है सुबह सुबह। और ये रही नगरोटा की मार्केट। न्यू प्रेम वालों का आ चुका है पेट्रोल पंप। न्यू प्रेम बसें ही लगी रहती हैं इधर। ये कितनी सारी बसें हैं न्यू प्रेम की,
तो गाइस देखिए कितने सारे ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर चले हुए हैं, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर देखिए आगे भी चला हुआ है, उससे आगे भी चला हुआ है, इस साइड भी ट्रैक्टर ट्रैक्टर। देखिए कि ये चला हुआ है, सीजन लगा रहे हैं गाइस सभी, तो आजकल थ्रेसर का सीजन रहता है। ये तो नया थ्रेसर है, इस साल ही लिए बंदों ने, देखिए कितने सारे थ्रेसर है। तो गाइस पहुंच चुके हैं 53 मील, पता नहीं कहां कहां से बंदे आ रहे हैं, गदर मचाया हुआ है। और राजधानी एक्सप्रेस भी आ चुकी है, न्यू मूनलाइट 53 मील से ही बढ़ चुके हैं आगे की ओर। तो अभी पहुंचेंगे मटोर, सो गाइस मटोर पहुंच चुके हैं। तो ये रही मटोर की मार्केट, और हम जाएंगे सीधा ही किसी भी साइड को टर्न नहीं लेंगे, सीधा ही जाएंगे हम बाईपास होकर। तो कांगड़ा हवाई अड्डा है 1 किलोमीटर यहाँ से, तो देखते रहे हमारे साथ। और गाड़ी वाले को बड़ी ज़्यादा जल्दी लगी हुई है, कांगड़ा हवाई अड्डा 150 मीटर दूर है, और राइट साइड को टाल लेंगे तो कांगड़ा हवाई अड्डे के अंदर एंट्री कर सकते हैं। ये कांगड़ा हवाई अड्डा, ये रहा एयरपोर्ट जाने के लिए रास्ता, और दिखाते रहेंगे आपको। अभी तो सापुर आएगा, गगड़ आएगा, अभी तो बहुत ज़्यादा दूर जाना है, तो बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में। ये आ चुका है गाइस सापुर, और सापुर की है छोटी मोटी मार्केट, देखिए आप। तो आपको दिखाएंगे सापुर की आईटीआई भी, तो थोड़ी सी दूर है सापुर की आईटीआई, बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में। सो गाइस ये रही गवर्नमेंट आईटीआई सापुर का गेट, और देखिए द्रमण इससे आगे पड़ता है द्रमण, तो दिखाते रहेंगे आपको। सो गाइस हम 32 मील पहुंच चुके हैं, और हम लेंगे जवाली वाले रोड के लिए टर्न। तो अब हम पूरी चढ़ाई चढ़ने वाले हैं, ज्वाली 17 किलोमीटर है, तो चलते हैं फिर ज्वाली जाएंगे अभी। सो गाइज मैंने ज्वाली वाले रोड में टर्न ले लिया है, और ये रहा सिंगल रोड, सिंगल रोड है तो राम राम से ही चलना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना समय लगता है ज्वाली को पहुंचने के लिए। सो गाइज हम ज्वाली पहुंच चुके हैं, और अब ढूंढ रहे हैं आईटीआई, ये रही आईटीआई। पहुंच चुके हैं आईटीआई, कोई बात नहीं, वेट करते हैं। सो गाइस पहुंच चुके हैं गवर्नमेंट आईटीआई ज्वाली,
जो कि हमारे घर से थी 90 किलोमीटर दूर। तो टाइम हुआ है इस टाइम करीब 9:45 और 9:45 बजे पहुंच चुके हैं, और अमित भाई भी पहुंच चुके हैं, और आ रहे हैं दो बंदे और भी, तो देखते हैं। तो आज इंटरव्यू होता, देखते हैं कैसा रहता है इंटरव्यू वगैरह, देते रहेंगे आपको अपडेट। और यहाँ पर इट्टे भी बनाई जाती हैं, देते रहेंगे आपको अपडेट, तो बने रहे हमारे साथ। आईटीआई के अंदर बैठे हुए हमारे फ्रेंड कम रोजगार लेने के लिए आए हुए हैं, भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। अंचित भाई का इंटरव्यू हो चुका है और बड़े ही खुश नजर आ रहे। अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और क्या बोला जॉब के लिए? जॉब के लिए बोला करता बोले 4:30 को कॉल बोले आ जाइए। और उधर देखिए अमित भाई लाइन में लगे हुए, अमित भाई की ढीली हो चुकी है क्योंकि अभी इंटरव्यू और मेरा और अंचित भाई का इंटरव्यू हो चुका है। वो देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा है, पटाखे और जा रहे हैं, इनको भी देखिए कितनी गर्मी है। देखिए मैंने तो हेलमेट लगाया हुआ है अभी से सेफ्टी का पालन करते हुए, ऊपर से कुछ भी गिर सकता। सो गाइज इंटरव्यू दे चुके हैं और देखिए किस तरह से लाइन लगी हुई है, और R15 वाले चले हुए हैं हमारे साथ। तो चलते हैं अभी, इंटरव्यू हो चुका है और इंटरव्यू तगड़ा वाला हुआ है, मजा आ गया इंटरव्यू देकर। ठाकर सिंह ओबेरॉय। सो गाइस हम वापस बत्ती मिल पहुंच चुके हैं और आप देखिए रोड खाली खाली नजर आ रहा है। पठानकोट यहाँ से है 50 किलोमीटर और कांगड़ा 35 किलोमीटर। यहाँ से लेंगे हम राइट साइड का टर्न। गाड़ी वाले ने गन बताई होगा तो पत्ती मेल से भी निकल चुके हैं। सो गाइज हम रुके हुए हैं पानी भरने के लिए, और देखिए आप गुड़ाऊ पानी है, और हमने बाइक यहाँ खड़ी कर दी है और ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं। देखिए अमित भाई पानी भर कर आ चुके हैं, चलते हैं फिर, जर्नी स्टार्ट हो चुकी है दोबारा। तो गाइज आ चुका है लोहे का पुल, देखिए क्या से खड़खड़ कर रहा है। तो गाइज मोटर से भी निकल चुके हैं, तो अभी लंबा सफ़र है तो चलना ही पड़ेगा, रुकने का टाइम नहीं है। पहुंच चुके हैं तिरुंजा मील पहुंच चुके हैं, तो ट्रैफिक लगा हुआ है। नगरोटा पहुंच चुके और आप देखिए ट्रैफिक कितना ज़्यादा ट्रैफिक है नगरोटा में। आगे तक गाड़ियां लगी हुई है, और इस साइड चला है इतनी सारी बकरियाँ, और HRTC के देखिए शीशा टूटा हुआ है।
नया नया कर रही हैं बेटे और बकरियाँ। इन्होंने तो जाम लगा दिया। देखिए किस तरह से जाम लग रहा है, एक सेकंड के अंदर ही जाम लगना स्टार्ट हो चुका है। देखिए कितनी सारी बाइक वगैरह गाड़ियाँ आ चुकी हैं। सो गाइस पहुंच चुके हैं पालकोट बाईपास के पास, तो यहाँ से लेंगे राइट साइड को टर्न, तो इधर से नहीं लेंगे आगे से लेंगे। ले लिया है टर्न, पहुंच चुके हैं पंचरुखी बाजार। तो अमित भाई को छोड़ने के लिए जा रहा हूं मैं। तो दिखाते रहेंगे आपको भी ब्लॉग में, बने रहे हमारे साथ। अमित और अमित भाई का इंटरव्यू भी हो चुका है और मेरा भी, साथ में ही जाएंगे गुजरात कंपनी के लिए। तो आपको थोड़े दिनों बाद गुजरात के ब्लॉग भी दिखाई दिए करेंगे। ये हम पहुंच चुके हैं गुजरात ऐसा बोले करेंगे। पत्तियों के बगीचे में पहुंच चुके हैं हम। देखिए पत्तियां ही पत्तियां लगी हुई हैं। तो थक चुके हैं बुरी तरह। छत्तर पहुंच चुके हैं। सो गाइज अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा ही ज़्यादा टाइम लगता है और उसको एडिट वगैरह करने में, और आप चाहते हैं कि आप डेली मेरा ब्लॉग देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। देखिए आग भी लगी होती है यहाँ, आजकल आग लगने के ज़्यादा ही खतरे होते हैं। जंगलों में लोग आग लगा देते हैं। और व्यू देखिए आप, कितने सुंदर सुंदर घर है इधर बंदों ने बनाए हैं। देखिए कितना खतरनाक मोड़ है इधर, और अमित भाई को इधर ही छोड़ देते हैं। डर रहे थे, आगे छोड़ देते हैं क्योंकि प्रिय मित्र है, थोड़ा सा दूर जाने के लिए क्या हो जाता है। अमित भाई को छोड़ दिया है और भुट्टो को कहाँ पर रखे, तो बैग के पाना फोन है, हम इधर ही रख लेते हैं और चलते हैं। ठीक है अमित भाई, इतना कर तो चलता ही है। आगे आ चुका है थ्रेसर और भाई की हालत देख सकते हो, मिट्टी लग चुकी है क्योंकि मैंने रखे हुए हैं इसमें पौधे, खीरा और लिए खीरे के दो बूटे लिए हुए हैं, लगाएंगे। सो गाइस पहुंच चुका हूं मैं ब्याड़ा, तो मैंने ब्या वहाँ से आया ब्याड़ा होकर, क्योंकि दोस्त भी था साथ में, तो उसने बोले मेरे को वहाँ छोड़ दो,
तो करते हैं बाइक को स्टार्ट। डालते हैं तीसरा गियर और चल पड़ते हैं। राम नाम से ही चलना पड़ेगा क्योंकि ये जो फूट सकती है। खीरे की बेल लाया हूँ मैं गाइस, ये है खीरे की बेल। मैं भी मूर्ख हूँ, पौधे पौधे लगाया हुआ है। ये है खीरे की बेल। तो गाइस आज मैं आपको नीचे से होकर लेकर चलूँगा। और मैं आज आपको अपना गोजर गांव दिखाऊंगा। तो देखते रहे हैं आज। तो इधर से शुरू हो जाता है गोजर। तो मैप में तो है अगुजा खास। देखिए आजकल दुकानें ही दुकानें हो चुकी है, इतनी ज़्यादा दुकानें हैं। और देखिए और भी दुकानें हैं इधर। अब यहाँ से लूँगा मैं राइट साइड टर्न। सो देखिए गेट बनाया गया है शहीद के नाम से। देखिए आप कितनी ज़्यादा दुकानें हो चुकी हैं और जल में भी। और गुरु जी मिल चुके हैं हमें। ओ बड़ी बड़ी गाय रखी हो। सो गाइस गुरु जी का एक्सीडेंट हुआ था, गुरु जी को पूछना पड़ता है। तो देखिए यहाँ की सड़कें, आज आप अगोजर देखिए। पहुंच चुका मैं अपने घर। तो गाइस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूं। उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।